हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। और भाई इसी के साथ हम आ गए आज और एक नया गेम प्ले लेके पबजी का। और अभी अभी जो स्कोर वाइप देखा ना भाई, नेट खराब है, ठीक है मैं मानता हूँ भाई, नेट लैग की वजह से ना भाई। देखो मेरा नेट लैग है, मतलब मेरा लैग कर रहा है नेट की वजह से, तो भाई मेरी मेरी प्रॉब्लम होनी चाहिए ना भाई, दूसरों को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई। देखो ये जो स्कोर वाइप देखा अभी अभी, इसमें भाई पता नहीं उस बंदे के साथ क्या चल रहा था, मेरा तो पिंग सही था, सब कुछ सही था, फिर भी भाई मेरे को कहाँ से वो बंदा डैमेज दे रहा था ना, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा था भाई। भाई भाई मेरे को ना कभी कभी लगता है कि पबजी में क्या चल रहा है भाई। देखो उसका प्रॉब्लम है तो उसको डैमेज पड़ना चाहिए ना, उस वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाए ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो भाई उसका नेट खराब है फिर भी वो मार मेरे को ही रहा है भाई, मेरे को ही डैमेज दे रहा है भाई। वाह भाई वाह। तो भाई उसको छोड़ दो, इसी के साथ हम आ जाते हैं आज जॉर्जपुर में। और आज का जो गेम प्ले है भाई बिल्कुल मस्त गेम प्ले है, बिल्कुल मक्खन सा गेम प्ले, बहुत अच्छा गेम प्ले है। तो भाई चैनल पर नया हो तो एक सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। और इसी के साथ सामने बंदे हैं, मैं तो भाई बिल्कुल घुस रहा हूँ अंधा। और भाई इतने में क्या होता है, सामने ना दो स्क्वाड आपस में भाई लड़ भी जाते हैं, मतलब उनके अंदर जंग छिड़ जाती है। तो भाई मैं इस मौके का फायदा उठाकर ना बिल्कुल घुस जाता हूँ। और एक बात भाई, भाई जॉर्जपुर में बंदे नहीं आ रहे ज्यादा भाई, हॉट ड्रॉप बंदे कहाँ ले रहे हैं मेरे को पता करना है भाई, बंदे कहाँ पे हॉट ड्रॉप ले रहे हैं भाई। नोबो में तो भाई शायद ही कभी कभी एक स्क्वाड जा रहा है, बड़े मुश्किल से भाई भाई हॉट ड्रॉप पे बंदे नहीं मिल रहे, और मिलिट्री जा रहा है थोड़ी बहुत बंदे, और जॉर्जपुर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, कभी कभी आ रहा है और ज्यादातर नहीं आ रहा है। और भाई इसी के साथ लूट तो भाई पूछो ना, लूट तो भाई लूट ही नहीं मिल रहा है, कभी कभी तो जॉर्जपुर में ना पूरे दो कंटेनर में एक भी गन नहीं रहता है भाई। मेरे को समझ ही नहीं आता पबजी वाले क्या कर रहा है, मतलब करना क्या चाहता है ये गेम के साथ, मेरे को ये समझना है बस। तो भाई इसी के साथ जॉर्जपुर हमने खाली कर देता है। और बहुत दिन बाद भाई हम, मतलब मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, तो भाई मजा तो जरूर आएगा। इसी के साथ हमने जॉर्जपुर खाली कर देता है। और भाई यहाँ पे पता नहीं कितने बंदे थे, लेकिन जितने थे मैं सबको मार दिया। और इसी के बाद, मतलब इसके साथ मैं बाइक लेकर निकल गया, क्योंकि बहुत ढूंढने के बाद एक भी बंदे मेरे को नहीं दिखा। तो भाई जल्दी से निकलते हैं, और सामने एक खतरनाक सा फाइट है। और भाई यहाँ पे मैं जो भागा ना भाई, मैं तो बिल्कुल चौर में गया था वहाँ पे रोजोक, मतलब रोजोक के रीच पे, लेकिन वहाँ पे पहले से बंदे थे भाई, मेरे को जो डैमेज दिया ना, मैं सीधा कार यूटर्न लेके भाई बिल्कुल पहले फुर्सत में वहाँ से निकल गया, क्योंकि मेरे को पता था अगर कुछ देर वहाँ पे रहता ना तो मेरे पेटी बन जानी थी। तो भाई क्या करा मैंने, मैंने भाई बिल्कुल राइट से घूम के, मतलब रोजोक के रीच पे भाई उल्टा साइड से घूम के इधर आ गए। लेकिन इतने में क्या होता है, यहाँ पे जो बंदे थे ना, यहाँ पे जो बंदे थे वो भाई मेरे को ढूंढने के लिए कार लेके निकल पा रहा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद जब नहीं मिला उसको वो फिर से यहाँ पे आ गया। लेकिन तब तक यहाँ पे मैं आ गया था, और भाई इस भाई को पता भी नहीं है कि तब, मतलब इस भाई जहाँ पे था ये भाई वो जगह पे अब मैं आ चुका हूँ। तो ये भाई का पेटी बना दिया, और इस भाई को यहाँ पे पता चल गया था कि इसको बचाने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए भाई सामान फेंक रहे थे, सब सामान फेंक रहे थे। तो भाई इस भाई के पास 6x था, कौन ऐसे करेगा बोलो, अगर उसको पता नहीं है कि उसको बचाने वाला है ही नहीं भाई, तो कौन ऐसे करेगा बोलो। भाई को पता था उसको बचाने वाला ना कोई नहीं है। और उसके बाद इधर से निकल गया मैं, ठीक है। अब आगे जो फाइट होगा ना भाई, बिल्कुल 10 से 15 सेकेंड में स्क्वाड वाइप भाई, मज़ा आ जाएगा। और ये जो लेफ्ट में कार जा रही है ना, मेरे को पता चल गया था इस कार में एक ही बंदे हैं, तो मैं इस कार का पीछा कर रहा हूँ, और आगे जो होगा भाई अब खुद देख लो। और भाई इसी के साथ ये स्क्वाड खत्म, मतलब भाई मेरे को भी उम्मीद नहीं था बिल्कुल, ये बंदा ना जो अकेला बंदा के पीछे पड़ गया था, मैं पता नहीं कि ये अपने सारे टीममेट को बुला लिया था भाई, इसका सारे टीममेट कार रोकते ही मेरे को मारने पे आ गया था भाई। भाई पता नहीं मैं कैसे मार दिया, लेकिन इतना पता है कि हमने मार दिया कैसे भी करके। तो भाई चैनल पर नया हो तो भाई इस बात पर
जरूर सब्सक्राइब कर देना, और भाई एक लाइक तो बनता ही है भाई, देखो इतना अच्छा स्क्वाड वाइप है, एक लाइक जरूर कर देना। और इसी के साथ एक फ्री का किल भी मिल जाता है बॉट का, तो भाई जल्दी से बॉट को मार के लूट के निकल गए। और उसके बाद भाई घूमते फिरते यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे क्या होता है एक स्क्वाड रहता है तीन बंदे का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बॉट को मार दिया, और ये तीन बंदे का जो स्क्वाड था ना, इनके पास अचानक दो तीन चार बॉट आ जाते हैं, और ये लोग बॉट को मारने में बिजी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं एक बॉट को फिनिश करके जब इधर रोकता हूँ ना, तो एक बंदा मेरे को स्पॉट कर लेता है, और जैसे मैं कफल लेता हूँ एक पेड़ के पीछे, तो भाई मेरे को शॉट देता है। तो भाई जल्दी से मैं बग्गी लेके बिल्कुल राइट वाले रीच पकड़ लिया, और इधर से एक बंदे का ना पेटी बना देता हूँ भाई, देखो कैसे। मेरे को पहले पता नहीं था, ठीक है, पहले सामने एक डार्सिया थी रेड कलर का, ठीक है, उसको मैं बंदा समझ के गोली मारा। तो जैसे ही गोली मारा, एक बंदा तुरंत मेरी तरफ आ रहा है भाई, उस भाई क्या भाई, इस गेम में ना बंदे बहुत होशियार थे भाई। एक बंदा पीछे स्क्वाड हाउस से बैकअप दे रहा है, और उसको उस मतलब उसका दूसरे बंदे को बोल दिया कि भाई जा, तू जाकर मार के, अब मैं इधर से कवर दे रहा हूँ। मतलब ठीक है भाई, तुम मिनी चला रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा कौन करता है भाई। उसको भाई मेरे को कुछ बोलना नहीं, देखो कैसे पेटी बनाता हूँ। तो भाई यहाँ पे हुआ ये था कि जिसको नॉक किया था उसका तो पेटी बना था, लेकिन एक बंदा ना कतई भाई मेरे को चैन से बैठने नहीं दे रहा था। मतलब भाई मीनी भाई मार ही जा रहा था भाई, क्या मीनी चला रहा था ये बंदा भाई, डैमेज पे डैमेज दे रहा था। मैं भाई आखिर में ना जोन आ जाता है, तो मैं निकल लेता हूँ, और वो भी अपना डार्सिया लेकर निकल जाता है। और आखिर में भाई ढूंढते ढूंढते मेरे को मिल जाता है वो दो बंदे, ये जो सामने कंपाउंड दिख रहे हो ना एप है, और उनको ये लोग ना इतना ढीठ था कि घर से बिल्कुल भी बाहर भाई एक पल के लिए भी बाहर नहीं निकल रहा था। मतलब ऐसे सोच रहा था कि भाई पबजी में भी कोरोना आ गया है इसका, भाई ये लोग ना सोच रहे थे पबजी में भी कोरोना आ गया है, भाई घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा था। वो तो देखो इनको कैसे भाई बेट करके मैं बाहर निकाला, पहले तो बहुत देर यहाँ पे होल्ड किया, फुर्सत आ रहा था, लेकिन ना एक बंदा भी घर से बाहर निकलने में राजी नहीं था। तो मैंने ना एक बेट किया, कार में बैठा मतलब बग्गी में बैठा, और बग्गी लेके जाने का एक्टिंग किया, और जैसे ही जाने का एक्टिंग किया ना, देखा कि भाई एक बंदा कतई भाई तुरंत भाई कहाँ पे था पता नहीं, लेकिन आ गया है मेरे को मारने के लिए। और इसी के साथ देखता हूँ कि दो मतलब दोनों बंदे मेरे को मारने के लिए आ जाता है, और यहाँ पे उन दोनों को भाई सामना सामने फाइट नहीं लिया मैंने, बस एक गैनेट था मेरे पास, फेंक दिया, और देख लो मौत का तमाशा। और भाई इसी के साथ एक गैनेट से दो बंदों को मार दिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे मजे में लूट किया। और एक बात भाई, मैंने तो मतलब मैंने नहीं सबने सुना है ये कि भाई 21 दिन के लिए हमारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, तो भाई अब करना यही है कि भाई घर में बैठो मजे में, वीडियो देखो पबजी का, ऐश करो भाई, चिल करो, घर में बैठो, बाहर मत निकलो भाई, बाहर बहुत डेंजरस चीज़ आ गया है। तो गलती से भी भाई भाई अगर बहुत ज़रूरत नहीं है ना तुम्हारा, तो भाई घर से बाहर मत निकलो, ये बहुत डेंजरस चीज़ है, मतलब डेंजरस वायरस है भाई। घर से अगर निकल रहे हो ना कभी भी कोई ज़रूरत पे, तो भाई हमेशा एक मास्क कैरी करो, और भाई कुछ देर बाद अपनी हैंड वॉश करते रहो, और यही करते रहो कि जल्दी हम मतलब हमारे हिंदुस्तान सही हो जाए, ये कोरोना जल्दी हमारे हिंदुस्तान से चले जाए। तो भाई इसी के साथ मैंने तो भाई मजे में उनको बॉम्ब से फोड़ा, उसके बाद ड्रॉप लूटा, और वहाँ से निकल गया। और उसके बाद फिर से आ गया ये कंपाउंड पे, और ये कंपाउंड पे आने के बाद ना मैंने तो देख लिया कि एक डार्सिया है जो वो दो बंदे लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे और एक बाइक था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बाइक किसने लाया है। तो आखिर में मेरे को समझ में आ गया था कि वो दो बंदे दो दो कार लेके आए थे, मतलब अलग ही सनक था इनमें, तो उसको छोड़ दो भाई। तो उसके बाद भाई जोन छोटा हो जाता है, और मैं आ जाता हूँ ये सामने जो स्क्वाड हाउस है ना इसके पीछे वॉच टावर पे। तो ये वॉच टावर वो दो जो स्क्वाड हाउस मतलब एक स्क्वाड हाउस है एक कंपाउंड है उससे ऊपर का एरिया है ये वॉच टावर, ठीक है। तो इधर से ना उधर अच्छा एंगल मिलता है, तो इधर जो बिल्कुल मजे में बैठ गया मैं, और सामने अब क्या होता है दो स्क्वाड लड़ रहा था, ठीक है, एक स्क्वाड का दो बंदा और दूसरी स्क्वाड का दो मतलब दोनों स्क्वाड का दो दो बंदे लड़ रहा है। तो मैंने इधर पहले तो मजे में देखा कि बंदे कहाँ का है, और आखिर में मेरे को बंदे दिखता है, तो देखो।
और भाई इसी के साथ एक डीपी का स्प्रे के बीच में आके मतलब दोनों बंदा मतलब एक स्क्वाड खत्म, दो बंदा खत्म, और अभी बचे होते हैं एक स्क्वाड, दो बंदा, ठीक है। तो मैंने भाई बहुत होल्ड करने के बाद एक बंदा कूद जाता है, उनको डैमेज भाई उसको नॉक कर देता, पता है भाई। यहाँ पे ना मेरा गेम खेलते टाइम हाथ थोड़ा सा चिपक जाता है, तो इसलिए भाई कभी कभी एम थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए ना इसको नॉक नहीं कर पाया। और इधर इतना गुस्सा आया ना मेरे को, मैं कार लिया और सीधा जाके भाई ठोक दिया घर पे। और इधर जो कार लेके इधर से निकल गया ना, इसका जो बेनिफिट हुआ मेरा, मेरे पीछे से दो बंदे आ गए थे जिनके पास ओम था, और पता नहीं क्या क्या था, लेकिन भाई वो लोग मेरे को मार सकते थे क्योंकि उनका पोजीशन मेरे को पता नहीं था। तो सही किया उधर से निकल के, अब तो पोजीशन भी पता है। और इधर जब रश किया ना भाई, एक बंदा ऊपर से कूद जाता है, मतलब इसका भाई, हाँ भाई ठीक है मैं मानता हूँ तुम प्रो प्लेयर हो, लेकिन भाई जब तुम्हारे घर पर रश कर रहा हो तो ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए, बाहर कोरोना है भाई। ये समझ नहीं रहा है, मतलब हल्के में ले रहा है यार मेरे को। तो इसके साथ भाई और एक बंदे होता है, और उसके बाद ना मेरे को वो बंदा कैम्प कर लेता है घर के ऊपर। और मेरे पास इतना गैनेट नहीं था कि बाहर निकल के फोड़ते जाओ, क्योंकि बाहर भी बंदे थे। तो मैंने एक बार कार लेकर चक्कर काटा, क्योंकि भाई कार में बैठ के जो टीपी भी होता है वो बहुत ज़्यादा एरिया दिखाता है। तो एक चक्कर काटने के बाद एग्जैक्ट पोजिशन जो था बंदे का मेरे को पता चल गया था, फिर भी बंदा इधर उधर कर रहा था। लेकिन अब जो गैनेट कर रहा हूँ ना, ये फुद्दू गैनेट होता है, लेकिन इसके बाद जो गैनेट होता है वो बिल्कुल भाई एक नंबर गैनेट होता है। और भाई ये आखिरी वाला गैनेट ना, मैंने बिल्कुल दबा के फुटस्टेप लेने के बाद, बिल्कुल दबा के फुटस्टेप लिया उसके बाद ही फेंका, क्योंकि मेरे को पता था और आखिरी एक गैनेट बचेगा इसके बाद, तो भाई वेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी। तो उसके बाद मैं इधर आ गया, और इधर आके ना बैठ के देखने लग गया कि वो दो बंदे कहाँ है जो मेरे को पीछे से AW मार रहा था। तो ये दोनों बंदे ना अलग ही दिमाग लगा रहा था, मतलब इस वाले गेम में सब अलग अलग दिमाग लगा रहे थे। एक बंदा पीछे से AWM से कवर दे रहा है, और एक बंदा पुश कर रहा है वो भी ओपन में, और मैं इतना ढीठ कि भाई एक बार भी पिक नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं अभी अभी से मारना स्टार्ट कर दूँ ना, तो ये जो बंदा ओपन में आया है ये ओपन में नहीं आता, और इसको मार नहीं पाता। तो इसलिए बहुत देर होल्ड किया। उसके बाद पता नहीं ये लोग क्या सोचे कि मैं चला गया, मैं गायब हो गया, या जादू करके पता नहीं क्या सोच लिया था, और आ गया मुंह उठा के, तो इसको तो मार दिया। और इसके गुस्से में इसका जो आखिरी बंदा होता है ये मेरे को मार देता है भाई। लेकिन मैं भी यहाँ पे बेवकूफ़ी करता हूँ कि भाई मैं ज़्यादा देर तक AWM ने मतलब AWM के सामने पिक कर दिया था, तो मेरे साथ यही होना था, मेरे को भी पता था। ठीक है, बहुत अच्छा कर दिया है मेरे को मार के, क्योंकि भाई इतना फुद्दू काम कोई नहीं करता भाई। देखो कितना देर, कितना टाइम लिया है यहाँ पे मैंने, और इसी के साथ ये बंदा मेरे को मार देता है। तो भाई मैं 21 किल करने के बाद आ जाता हूँ #4 पे। तो भाई इसी के साथ आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।